नमस्कार, इस वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने जियो फोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है उसे अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप में किस तरीके से यूएसबी सीरियल के थ्रू शेयर करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास में जो जियो फोन है इसका मॉडल आप देख लीजिए, F220B। तो अगर आपके पास में ये सेम मॉडल का जियो फोन है तो इसका इंटरनेट कनेक्शन आप डेफिनेटली अपने पीसी या फिर अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। बाकी के मॉडल्स के बारे में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैंने उनको अभी टेस्ट नहीं किया है। और यहाँ पे मैं अनबॉक्स करके इसका जो डिज़ाइन है और लुक है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको आसानी रहेगा कि कौन से जियो फोन में सपोर्टेड है यूएसबी थ्रेडिंग। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला जो जियो का मॉडल है जियो फोन का, अगर ये सेम मॉडल का जियो फोन आपके पास में है तो इसका इंटरनेट कनेक्शन आप यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पर हमें मिल जाता है एक चार्जर, और ये प्रोप्रेटरी चार्जर है, यहाँ पे सेपरेटेड यूएसबी केबल वाला चार्जर नहीं मिलता है। आउटपुट यहाँ पे 5 वोल्ट्स 700 mA का मिलता है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ में। सेपरेटेड यूएसबी केबल होता तो काफ़ी अच्छा होता, तो कोई बात नहीं। हमें यहाँ पे एक बैटरी मिलता है और इसका कैपेसिटी हमें दिखाई दे रहा है 2000 mA का, यहाँ पे एक बैटरी मिलता है। और मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ, और सबसे पहले जो सेटिंग्स आपको करना है अपने जियो फ़ोन के अंदर वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको आपके फ़ोन का जो डेटा कनेक्शन है उसे कर देना है डिसेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेलुलर डेटा कनेक्शन है वो ऑलरेडी डिसेबल्ड है, तो ये अगर आपके फ़ोन में ऑन किया हुआ है तो इसे आप डिसेबल कर दीजिए। और इसके अलावा आपको जाना है डायरेक्टली सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स को ओपन कर लेने के बाद आप यहाँ पर चले जाइए स्टोरेज ऑप्शन में, और स्टोरेज ऑप्शन के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे यूएसबी स्टोरेज को आपको डिसेबल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है, लेकिन अगर आपने इसे ऑन किया होगा तो आप इसे डिसेबल कर दीजिए फिर से, और फिर इसको क्लोज़ कर दीजिए। अभी डायरेक्टली हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो एक ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेने के बाद आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली जो डेस्कटॉप है वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो एक्सट्रैक्ट मैंने कर लिया है, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर हमें मिलेगा, इस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर जो सेटअप फाइल हमें मिलेगा इसको डबल क्लिक करके हम इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉलेशन को होने देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दो ऑप्शन दिखाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला वाला ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा उसे आप चेंज मत कीजिए, उसको ऐसा ही छोड़ के आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, और फिर से आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पर एक्सेप्ट में क्लिक करना है टर्म्स एंड कंडीशंस को, और उसके बाद में फिर से आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड कर लीजिए आप इसको। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, लगभग 13-14 MB का इसका फाइल साइज़ है। इंस्टॉल यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और इसे हम क्लोज़ कर देंगे। इंस्टॉल कर लेने के बाद में हम इसे अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे ताकि ड्राइवर्स ठीक तरीके से काम करें। रिस्टार्ट कर लेने के बाद अभी हम अपने जियो फ़ोन को कनेक्ट करेंगे यूएसबी केबल के थ्रू। माइक्रो यूएसबी केबल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अपने दूसरे फ़ोन का कोई चार्जर का केबल आप यूज़ कर लीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दो सेटिंग्स आपको डिसेबल करना है, एक तो डेटा कनेक्शन को डिसेबल करना है, और दूसरा जो स्टोरेज के अंदर आपको जो यूएसबी स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा उसको भी डिसेबल करना है। तो एक बार मैं इसको अनलॉक करके चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा डेटा कनेक्शन यहाँ पे डिसेबल्ड है ऑलरेडी। तो अभी हम इसे कनेक्ट कर लेंगे अपने कंप्यूटर के साथ में। तो इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसे कनेक्ट करने के बाद आप 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ड्राइवर से वो पहली बार इसको डिटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा सकता है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए ताकि हमारा फ़ोन यहाँ पे डिटेक्ट हो जाए कंप्यूटर के अंदर। तो ये थोड़ा सा वक्त लग सकता है यहाँ पे पहली बार जियो फ़ोन को कनेक्ट होने में अपने कंप्यूटर के साथ में। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल ब्रॉडबैंड का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर आपको दिखेगा जियो 4G LTE का ऑप्शन। ये आपको यहाँ पर जाके कनेक्ट बटन में क्लिक करना है, और इसे कनेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेने के बाद में आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, कोई भी ब्राउज़र के अंदर आप इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ का जितने भी ऐप्स हैं सब कुछ आप इंटरनेट यहाँ पर यूज़ एक्सेस कर सकते हैं कम्प्लीटली। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गूगल है वो ओपन हो चुका है, अभी हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो का वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है, सर्च कर लिया है जियो को,
और यहाँ पर जियो का वेबसाइट भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। फिलहाल तो जियो का स्पीड जो है उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। पहले तो जियो का स्पीड काफ़ी अच्छा मिलता था, लेकिन अभी कंजेशन की वजह से इसका स्पीड काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन हम यूज़ तो कर सकते हैं अपने जियो फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन अपने PC में, तो डेफिनेटली आप अपने जियो फ़ोन को एज ए डोंगल यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जियो 4G LTE कनेक्शन से कनेक्टेड है। यहाँ पर कोई भी वाईफाई कनेक्शन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्टली जियो फ़ोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो USB थिएटरिंग के थ्रू यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम जियो फ़ोन को एज ए डोंगल भी यूज़ कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको विकीपीडिया सर्च करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, काफ़ी अच्छा स्पीड यहाँ पर मिल पा रहा है हमें जियो का। और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए आप, मेरा जियो फ़ोन कुछ इस तरीके से यहाँ पे USB केबल के थ्रू कनेक्टेड है। कोई भी USB पोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। जो USB केबल है वो आप कोई भी फ़ोन के साथ में जो चार्जर मिलता है उसका वाला चार्जर का USB केबल आप यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे आप जो आइकन आपको दिखेगा जो कनेक्शन का, तो कनेक्शन का जो आइकन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए जो नेटवर्क बार से वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और यहाँ पे आपको जियो 4G LTE का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरीके से, मोबाइल ब्रॉडबैंड सेक्शन के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो 4G इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ और वेबसाइट्स भी खोल के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आपको जो YouTube है वो खोल के दिखा देता हूँ। तो स्पीड अभी थोड़ा सा कम है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे YouTube पे क्लिक कर चुका हूँ और जैसे कि आप देख रहे हैं YouTube यहाँ पे ओपन होने लगा है। तो डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए डोंगल। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस ट्यूटोरियल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझे कमेंट्स में कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी आने वाले एक और वीडियो में।